हेलो फ्रेंड्स, GSM है फुल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम हमारे घर के बिल्कुल बाजू में जो खेत है हम उसकी सफ़र कर रहे हैं, तो मैं आपको हमारे खेत में क्या क्या होता है मैं आपको आज वीडियो में बताने वाला हूँ। पहले तो हम देखते हैं, ये जो आप देख रहे हैं वो ड्रैगन फ्रूट है। अभी तो फ़िलहाल आए नहीं है, उसकी शुरुआत है। और उसके बिल्कुल पीछे आप देख रहे हैं बड़ा पहाड़ है, तो बहुत ही अच्छा नज़ारा है। तो चलो मैं आपको आज बता दूं, तो मैंने ये वीडियो शूट किया हुआ है। ये सारा जो भी है ड्रैगन फ्रूट के लिए है, तो मैं आपको एक नज़दीक से भी वीडियो बताऊंगा। तो ये वाला जो आया है तो हम उसको नज़दीक से चेक करेंगे वो कैसा होता है उसका पौधा। तो आप देख रहे हैं ये ड्रैगन फ्रूट आने वाला है। बहुत ही अच्छा नज़ारा है। ऐसे ही थंबों में ये ड्रैगन फ्रूट को खड़ा करते हैं। अभी ये शुरुआत है, अभी जब इसमें ड्रैगन फ्रूट आएगी तो मैं आपको और वीडियो बताऊंगा। ऊपर टाइल लगे हुए हैं, तो ड्रैगन फ्रूट ऐसे ही खेत में लगाते हैं। हमारे गांव के आजू बाजू सब पहाड़ हैं। उसको हम टच भी नहीं कर सकते क्योंकि उस पे उसके ऊपर कांटे जैसा कुछ है, तो क्या है चोट भी आ सकती है। आप देख सकते हैं, बिल्कुल क्लियर करके बताता हूँ। हाँ देखिए, कांटे जैसा है, तो आप उसको टच भी नहीं कर सकते। तो ये पूरा रेत पे मैंने खड़े होके सब वीडियो बनाया है। ये हमारा घर है, आप देख सकते हैं। ये आपको विलेज जैसा नहीं लगेगा, VIP विलेज है। ये जो सामने थंबे वाला है, जो थंबा लगा हुआ है, वो टोमेटो की खेती है। और ये आप अभी देख रहे हैं वो कॉटन की खेती है। कॉटन ऐसे आता है जाड़ में, आप देख सकते हैं अभी शुरुआत है उसकी भी। तो कॉटन जहाँ वीडियो शूट किया है उसी साइड से मैंने पूरा विलेज को बताने की कोशिश की है। ऐसा हमारा गांव है। अभी कैमरे का रिज़ल्ट थोड़ा डाउन है, तो क्या रिज़ल्ट क्लियर नहीं आता। और आगे बढ़ते हैं और भी कुछ देखते हैं क्या होता है। हमारा बाजू में ये जो बेल से काम हो रहा है, और हम थोड़ा आगे जाते हैं, फिर आपको टमाटर की मैं आपको उसकी बेल जो आती है मैं बताता हूँ।
ये पूरा पहाड़ है, आप देख सकते हैं हमारे गांव के आजू बाजू पूरा पहाड़ है। हम टमाटर की अब खेती देखने जा रहे हैं। ये सुबह का टाइम है, बहुत ही अच्छा माहौल होता है सुबह में, और उसका एटमॉस्फेयर भी बहुत फ्रेश रहता है। ऐसे ही टमाटर की खेती होती है, और धागा से उसके जो वेल होता है उसको हम बांध देते हैं। टमाटर है, सामने पानी है, और देख सकते हैं पक्षी, बहुत ही अच्छा नज़ारा है पक्षी का। अभी जो वाइट है वो पके नहीं हुए, जो लाल है बाजू में वो पके हुए हैं पूरे तरह। ये जो पहाड़ है हमारे बिल्कुल नज़दीक है, आधा किलोमीटर होगा शायद, ये खेत से आधा किलोमीटर होगा। वीडियो थोड़ा लंबा बनने वाला है, तो आप देखते रहे, नज़ारा बहुत अच्छा है, पूरा वीडियो देखिए आप। थोड़ी आगे जाते हैं और भी खेत में लगा हुआ है तो मैं आपको बताऊंगा। हमने ड्रैगन फ्रूट और टमाटर देख लिया, अब चिल्ली हरी मिर्च देखने जा ले रहे, और अनार, पपैया और वालोर का जो आता है, वालोर की सब्ज़ी, हमारे गुजरात में वालोर बोलते हैं। ये जो झाड़ है हमने अभी बताया, वो तीन एक साथ झाड़ हैं। कुएँ से यहाँ पे लंबी लाइन करते हैं, फिर यहाँ से पानी खेत तक पहुँचाते हैं, आप देख सकते हैं ऐसे। ये जो आप देख रहे हैं अभी, एक गोबर है भैंस का, जो खेत के लिए बहुत ही अच्छा काम आता है। हमारे भाई सामने काम कर रहे हैं अभी खेत में, वही जो है वो अनार का खेत है। ये जो आज झाड़ अभी देख रहे हैं, वो छोटे छोटे फ्रूट है, उसका नाम है हमारे गुजरात में आंवले का झाड़ बोलते हैं, ये वाला। और जो पूरे बम्बू थम्बले हैं वो टमाटर के लिए लगाए जाते हैं, और ये ट्रैक्टर के लिए खेत में यूज़ करते हैं, ये वाला। ये जो इलाका है वो टमाटर के लास्ट का इलाका है, जो यहाँ पे ख़त्म होती है खेती। और उसके बीच में जो गैप रहता है टमाटर के बीच में, वहाँ भैंस के लिए चारा, चारा होता है, जो मैं आपको अभी फुल चारा कौन सा है वो भी मैं आपको बताऊँगा। ये जो देख रहे हैं आप, अनार की खेती है,
और हम पहाड़ के बिल्कुल नज़दीक आ गए हैं। वह मैं आपको नज़दीक जाके बताऊंगा अनार के खेत में। अभी हम देखने जा रहे हैं हरी मिर्च। ये रही हरी मिर्च, इसे घर में खाने के लिए खेत में लगाई है। उसका ऐसा होता है झाड़ हरी मिर्च का, ये थोड़ी छोटी होती है लेकिन बहुत तीखी होती है। मैंने बहुत बारीक सी वीडियो बनाई है को कैसे ज़मीन से निकलती है और कैसा उसका झाड़ होता है। ये रही दूसरी जगह, थोड़ी लगाई है खेत में। ये वाला जो मैं अब बेस के लिए चाह रहा है, मैं आपको पूरा बताता हूँ। ये पका हुआ टमाटर है, आप उसको खा सकते हैं। जो वाइट है वो अभी पकने को आया है, थोड़ा टाइम लगेगा उसके लिए। अभी जो हम देखने जा रहे हैं ये वाला झाड़ जो बैगन के लिए है, अभी बैगन आए नहीं है। ये पूरा जो आप देख रहे हैं वो बैगन के लिए है। ये हरी मिर्च का झाड़ है। अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जो टमाटर के बीच में जो उगाते हैं भाई बेस के लिए, तो भी हम देख लेते हैं पूरा। मैं आपको नज़दीक जाके बताऊँगा। और बाजू में बैल से खेती का काम हो रहा है, तो मैं आपको वो भी बताऊँगा। बैल है, बैल से काम हो रहा है। ये रहा चारा। बेस के लिए बीच में चारा है, वो जगह का सही इस्तेमाल किया हुआ है, जगह वेस्ट नहीं किया।
आप देखते हैं पूरी लाइन में पूरा चारा लगाया हुआ है, और खेत की बाजू में जो अभी बेल से खेत का काम हो रहा है देख सकते हैं आप। ये पहाड़ बिल्कुल नज़दीक है हमारे। ये रहा अनार का फार्म खेतर, तो मैं ये बताने जा रहा हूँ आपको। अनार अभी तो अनार है नहीं, जब आएगा तो मैं आपको और वीडियो में बताऊंगा। ये फार्म में भी खेत का सही इस्तेमाल किया है, जैसे जो अनार के जो झाड़ है उसके बीच में पपैया का भी झाड़ लगाया हुआ है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये अभी छोटा झाड़ है पपैया का, ऐसे ही जगह का सही इस्तेमाल किया हुआ है। एक बड़ा वाला भी एक आएगा तो मैं आपको बताऊंगा आगे जाके। आप देख सकते सामने वो थोड़ा बड़ा हुआ हुआ है। अभी खेत में पानी का टाइम हो गया है, अब उसमें पानी आएगा। अब देखते हैं पूरी लाइन पपैया की है और बाजू में जो है अनार की है। पपैया का पूरा थोड़ा बड़ा झाड़ है, आप देख सकते हैं। हमारे गांव में ऐसे ही खेती होती है। और एक प्रोजेक्ट भी चालू हो रहा है मशरूम की खेती। अभी आप देखने जा रहे हैं वालोर, हमारे गुजरात में वालोर बोलते हैं, वो भी एक वेजिटेबल सब्जी है, तो आप खाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पापड़ी भी बोलते हैं, वालोर पापड़ी आप देख सकते हैं। ऐसे ही उसका झाड़ होता है, तो हम खाने के लिए सब्जी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे ही होता है हमारे गांव में खेती। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।